जैसे कि अंग्रेज ये बात जानते थे, वैसे ही उनकी मुखबिरी करने वाले लोग भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब आपस में लड़ेगा इंडिया तभी उन्हें वोट करेगा इंडिया। नमस्कार साथियों, घृणा से सिर्फ वही लोग लाभान्वित होते हैं जो अपने ऊंचे घरौंदों में बैठे हैं और आपको इसमें उलझा रहे हैं। घृणा से न आप, न आपके बच्चे और ना ही उनका भविष्य, किसी को कोई फायदा नहीं मिलना। इसलिए अंतर को पहचानिए और नफरत को छोड़िए। ये बात देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कही थी, जो कि आज के समय में सच साबित होती दिखाई देती है। वो लोग आपको नफरत की ओर धकेल रहे हैं, मगर आपसे ये सच छुपा रहे हैं कि सरकार, उनके मित्र व उनके बच्चे सभी लोग एक बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, मगर आप और इस देश का प्रत्येक नागरिक इतिहास के अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। बेरोजगारी तो पिछले 45 साल का रिकॉर्ड तोड़ ही चुकी थी, अब महंगाई भी 17 महीने का रिकॉर्ड तोड़ते हुए आसमान पर जा पहुंची है। हालत यह है कि खुदरा महंगाई दर 13% से बढ़कर 14.55% तक जा पहुंचा है। भाजपा शासित कई राज्य कर्ज में डूबे हुए हैं। विश्व बैंक हमारे देश से विकासशील देश होने का तमगा तक हटा चुका है, मगर आपको सिर्फ और सिर्फ धर्म जाति के नाम पर लड़ाया जा रहा है। और ये प्रयास भी किया जा रहा है कि आप बचपन में पढ़ाई गई वो बातें भूल जाएं कि एकता में बल है और मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। इसलिए आज जरूरत है कि हम सब लोग ऐसे लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ें।